हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्राम विद प्यास। और आज है हमारी डेटा विजुलाइजेशन सीरीज़ का डे 7। और आज हम सीखने वाले कि हम पाइथन के थ्रू पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले काम करता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ पाई चार्ट बेसिकली होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर, ये मेरा ब्लॉगिंग साइट है, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पर चाहिए पाई चार्ट, तो मैं सर्च कर लेता हूँ पाई चार्ट इन पाइथन, या कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, पाई चार्ट भी बस आप सर्च कर सकते हो। तो मैं जैसे इमेजेस पे आपको लेके जाऊं, तो आप देख पाओगे कि यार पाई चार्ट होते क्या हैं। तो ये आप देख पा रहे, यही होते हैं हमारे पाई चार्ट। ओके, आप सभी टाइप के पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हो अपने थ्रू, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे हमारी पाइथन की। तो ये हमारा पुराना प्रोग्राम था, इसमें हम थोड़ा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, जो जो डेटा की ज़रूरत नहीं उसको हम हटा देते हैं। तो हमारे जो पाई चार्ट होता है उसमें हमें लेवल्स की ज़रूरत नहीं होती, ना लेजेंड्स की ज़रूरत होती है, तो उसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। और हमें इतना ज़्यादा डेटा नहीं उसमें यूज़ होता, उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं और लेवल्स होते हैं। ओके, उसके अलावा नंबर्स में हमारा परसेंटेज देना पड़ता है हमको किसी भी चीज़ का। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, जो जो मैं वो यहाँ से हटा देता हूँ। उसमें हमको कुछ लेवल्स पास करने होते हैं और नंबर्स पास करने होते हैं। तो मैं 5-6 नंबर्स ही पास करने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैं ये कर दिया, उसे नंबर्स को ही मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, कुछ ऐसे नंबर दे दें जिससे हमारा एक पाई चार्ट जो है वो अच्छा देखो और आपको समझ में आ सके। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कुछ भी मोनेटाइजेशन कर देते हैं या फिर कस्टमाइज़ कर देता हूँ। ओके, वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ कर दिया है। उसके बाद मुझे लेवल्स क्रिएट करने हैं, तो मैं एक लैंग्वेज नाम का डिक्शनरी लिस्ट बना रहा हूँ। इसमें मैं C++, जावा सभी पास कर दूँगा। C++, जावा, पाइथन और हमारे bb.net। ओके, तो वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, तो जैसे मैं किसी भी एक पे ओके कर देता हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड में लिखा पाइथन, जावा, रूबी, C++ और अंदर उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ लेवल्स होते हैं और परसेंटेज होते हैं। ओके, इसमें दो वैल्यूज़ नहीं होती जैसे हमारे बार चार्ट वगैरह में होती थी, समझ रहे हो ना आप। तो इसमें हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ नहीं दे सकते, इसमें हमको लेवल्स बताने पड़ते हैं। तो लेवल्स में यहाँ पे लैंग्वेज पास कर देता हूँ, आप चाहो तो नंबर ही पास कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले उससे आपका डेटा क्लेरिफाई नहीं होता है। ओके, और जहाँ पे हम बार लिखते थे वहाँ पे हम पाई लिखना है बस। ओके, तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखो क्या होता है। देख पा रहे, हमने लेवल्स में सिर्फ लैंग्वेज को पास किया है और हमारा जो पाई चार्ट था वो हमारा यहाँ पर बन के हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, देख पा रहे हो आप। अब मैं जैसे आपको एक दो चीज़ें और इसमें दिखाऊं, आपने एक चीज़ अभी मैंने जो आपको पुराना चार्ट दिखाया था, मैं काम करता हूँ आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो आप देखो इसमें यार ये कि ये वाला एरिया है ये बाहर निकला हुआ है, तो अब हम ये कैसे करते हैं। तो यार ये एक्सप्लोड कहलाता है, तो ये एक्सप्लोड हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सिर्फ एक एक्सप्लोड नाम की लिस्ट बनानी है। तो एक्सप्लोड नाम की लिस्ट बनाएंगे हम और उसमें हम वैल्यूज़ पास करेंगे। आप टपल लिस्ट कोई भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है, तो मैं टपल बना देता हूँ। तो उसमें आपको वैल्यूज़ पास करनी है 0, 0, जिसमें आप बिल्कुल भी आप उसको थोड़ा भी आप गैप देना नहीं चाहते तो उसकी वैल्यूज़ आप 0 दे सकते हो। और उसमें जिसमें आप थोड़ा सा भी डिफरेंस चाहते हो तो आप 0.1, 2, 3, 4 कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, मैं आपको सभी करके दिखा दूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लोड इक्वल एक्सप्लोड लिख देना है, क्योंकि एक्सप्लोड में ही हमें पास करने हैं हमारे एक्सप्लोड को। ओके, तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो हमारे सामने क्या होता है। तो देख पा रहे हो आप, तो देख रहे हो आप हमारे जो ये हमारा पाइथन था, ये हमारे इससे थोड़ा अलग और कटा हुआ में वो सामने दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर आपको थोड़ी दूरी और बढ़ानी हो तो आप क्या कर सकते हो, तो जैसे आप 0.1 के 0.5 दे सकते हो, तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने ये दिया, मैं इसको दोबारा रन करूँगा प्रोग्राम को, तो देखो अब इसके बीच जो दूरियाँ थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आप ऐसे करके आप कर सकते हो, आपको अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू दें तो आप 0 की जगह वहाँ पर बस चेंजेस कर देना, तो उससे आपको वहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे। ओके, उसके बाद होता है शैडो, तो जैसे मैं शैडो की वैल्यू कर दूँ यहाँ पे ट्रू, उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखना क्या होता है। तो देख रहे हो आप, अब आपको थोड़ी शैडोज़ दिखाई देने लगी होंगी नॉर्मल से, देख पा रहे हो आप ये शैडोज यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, इसके अलावा और हमको क्या करना होता है, इसके अलावा एक वैल्यू होती है आउट पैक्ट, ठीक है, आउट पैक्ट होता है इसको। जैसे मैं इसमें वैल्यू देता हूँ, ये आप देख लो यहाँ पर ध्यान से, आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये आपको जैसे याद अगर नहीं होती है तो %11, 1.1 F%%। ओके, इसकी वैल्यू होती है, अगर आपको याद होती है तो ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं 10, 25, 78, सॉरी इसने मुझे कुछ एरर पास कर दी, आउटपैक्ट होता है, ऑटोपैक्ट होता है, सॉरी मैंने ऑटोपैक्ट होता है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ऑटोपैक्ट इसने फिर क्यों एरर पास कर रहा है, आउटोपैक्ट हो सकता है शायद, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन में चेक करके बताऊँगा आपको। ओके आउटोपैक्ट, या सॉरी अब मैंने PCT होता है, ठीक है ऑटो PCT होता है, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या होता है। अभी हमारे सामने परसेंटेज लिखे यहाँ पे नहीं आ रहे थे, पर अब हमारे सामने अभी परसेंटेज आने लगे हैं, तो हमारे ऑटो बैक सही होता है, उसका पूरा नाम बैक टी है पर लेकिन वो PCT होता है। ओके तो देख पा रहे हो आप, तो ये नंबर हमारे सामने यहाँ पे शो होने लगे, जैसा कि आपको जब मैंने शुरू में चार्ट दिखाया था एक उसमें ऐसे शो हो रहे थे। इसके बाद और क्या चीज़ होती है हमारी इसमें, वो मैं आपको यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ। इसके बाद होता है स्टार्ट एंगल, सपोज़ आप जो हमारा ये जो चार्ट था आप चाहते हो उसको 180 डिग्री टर्न करना, तो जैसे अभी उसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे पाइथन लिखा था, तो अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये पाइथन हमारे राइट साइड में आ गया है। ओके तो जैसे आप 180 जगह 90, 75 जितना भी देना चाहो, आपको सिर्फ एंगल वैल्यू देनी है, जैसे आप उसमें एंगल की वैल्यू दोगे तो हमारा चार्ट उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो देख पा रहे हो आप हमारा चार्ट जो था वो यहाँ पे 90 डिग्री टर्न हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि यार पाई चार्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।